डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ के मीन क्लस्टरिंग मेथड, और विद रियल लाइफ एग्जांपल, न्यूमेरिक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कस्टमर सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर। सिंपल सा फंडा यार, हम सब लोग शॉपिंग तो करते ही, ऑनलाइन शॉपिंग करते ही हैं। अब यहाँ पे मेरे को ये पता करना है कि कौन से कस्टमर्स जो हैं वो सेम क्लस्टर के अंदर लाई कर सकते हैं, कौन से डिफरेंट क्लस्टर के अंदर लाई करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पता है यार, क्लस्टरिंग का मेथड क्या होता है कि अगर मेरे पास बहुत सारे इस तरीके से डेटा पॉइंट्स हैं और मैंने बोल दिया कि ये डेटा पॉइंट इस क्लस्टर में है, ये वाले डेटा पॉइंट इस क्लस्टर में है, तो यानी इन सबको मैंने एक क्लस्टर में क्यों डाला? कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होंगी, कुछ ना कुछ समानताएं होंगी, तभी तो मैंने इनको एक क्लस्टर में डाला। और इसको अलग अलग क्यों डाला? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी समानता, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, तो इस वजह से अलग अलग क्लस्टर में है। बस यही चीज हमने यहां पे अप्लाई करनी है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारे स्टेप एक एक करके देख लो। तो यहां पे सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको कितने क्लस्टर बनाने हैं। तो लेट्स सपोज मेरे को यहां पे दो क्लस्टर, आपको क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है दो बनाने हैं, तीन बनाने हैं, तो आपको बेस्ड ऑन दैट लेट्स सपोज मैंने यहां पे दो क्लस्टर ले लिए कि मेरे पास एक क्लस्टर है K1, एक क्लस्टर है K2। अब मुझे ये डिसाइड करना है कौन सा किसमें जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले क्लस्टर डिफाइन हो गए कि मेरे पास दो क्लस्टर हैं। दूसरा पॉइंट यहां पे क्या है? सेंट्रोइड कैलकुलेशन करना। सेंट्रोइड मतलब एक तरह से एक ऐसी वैल्यू जिसके बेसिस पे हम लोग फर्दर कैलकुलेशन भी करेंगे, और एटलीस्ट पता तो लगे यार कि कम से कम एक वैल्यू तो मेरे को पहले इनिशियलाइज करनी पड़ेगी यहां पे कि ये वाले क्लस्टर के अंदर ये वैल्यू जो है वो लाई करेगी, और ये वाले क्लस्टर में ये वैल्यू जो है वो लाई करेगी या रिलेटेड है इस तरीके से। तो इनिशियलाइज करने के लिए आप इन सारी वैल्यूज में से किसी को भी रैंडमली असाइन कर सकते हो कि ये वैल्यू K1 में और ये वैल्यू K2 में है। कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, रैंडमली वर्ड जो मैंने बोल दिया कि आप किसी भी तरीके से कर। बट लेट्स सपोज एक सिंपल सा फंडा लगा लेते हैं कि मैंने यहां पे C1 जो है, कस्टमर C1, वो K1 के साथ एसोसिएट कर दिया, सेंट्रोइड वैल्यू दे दी, और C2 को मैंने K2 के साथ एसोसिएट कर दिया। अब लेट्स सपोज यहां पे 20 और 500 इसके अंदर आ गया एक तरह से, और ये 40 और 1000 वाली जो C2 की वैल्यू वो इसके अंदर आ गई, तो ये इनिशियलाइज कर दिया जस्ट। अब इसके बाद कैलकुलेशन एक्चुअल में स्टार्ट होगी, क्योंकि अब हमें बाकी कस्टमर्स के हिसाब से कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज। मतलब ये हमारे पास ऐसी वैल्यूज हैं जो अभी ऑब्जर्व करनी है, और ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो हमने एक तरह से सेंट्रोइड इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने देखना है कि यार कस्टमर थ्री जो है, सबसे पहले कस्टमर थ्री देखो कि कस्टमर थ्री इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, तो मुझे कैसे कैलकुलेट करना है? वही सेंट्रोइड। अब ये सेंट्रोइड जो है वो ये तो इनिशियलाइज कर दिया, बट सी थ्री के लिए तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो नियरेस्ट है, जो इसके नियरेस्ट है या फिर इसके नियरेस्ट है डिस्टेंस वाइज, वो एक्चुअल में डिसाइड करेगा। अगर ये इसके नियरेस्ट है तो इसमें जाएगा, अदरवाइज इसके। अब ये डिस्टेंस, ये नियरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? बड़ा सिंपल है यार, ल्यूसीडियन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला में यूज करना है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और होल स्क्वायर। तो यहां पे कहीं ना कहीं आपको ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहां पे आप क्या कह सकते हो, जैसे x2 यहां पे क्या है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो मेरे को ऑब्जर्व करनी है, और ये क्या हो सकती है? आपकी सेंट्रोइड वैल्यू। ये भी आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये क्या है? आपकी सेंट्रोइड वैल्यू। लो जी, ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले इसमें अप्लाई करते हैं C3 में, ये हमारी क्या है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और ये मेरी क्या है? सेंट्रोइड वैल्यू। तो सबसे पहले ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है? 30। बस एक बार आपको थोड़ा सा लगेगा सर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, बट कुछ भी नहीं है। 30 माइनस 20, ये मेरा x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 800 अगेन मेरा ये दूसरा वेरिएबल है, जितने वेरिएबल होंगे उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो दूसरा वेरिएबल x2 ये हो गया, x1 ये हो गया, y2 ये हो गया, y1 ये हो गया, तो 800 माइनस 500 का स्क्वायर, और यहां पे हम लोग इसका रूट फाइंड आउट करेंगे। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे, आप कह सकते हो कि यार ये क्या आ गया, 10 का स्क्वायर प्लस ये आ गया 300 का स्क्वायर, और यहां पे इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो यहां पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, वैसे तो कैलकुलेट कर सकते हो पूरा, बट आपको पता ही है यार ये वैल्यू यहां पे कहीं ना कहीं जो है वो मेजर वैल्यू है, मतलब ये इसका ज्यादा दबदबा है, तो आप अगर इसको कैलकुलेट भी करोगे तो 300 पॉइंट समथिंग वैल्यू जो है वो आएगी, क्योंकि ये तो 100 ही है ना, तो ये 300 का स्क्वायर प्लस 100 ऐड करोगे तो ऑब्वियसली उसका जो है वो वैल्यू जो है वो फाइनली 300 ही आएगी पॉइंट समथिंग, ठीक है। दूसरा C3, अब मैं C2 के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा कि क्या वो K2 में तो नहीं आ सकती, तो उसके लिए फिर भाई ये मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और ये मेरी सेंट्रोइड वैल्यू है,
क्लियर है, और ये मेरी ऑब्जर्व वैल्यू है जो मुझे ऑब्जर्व करनी है, और ये मेरी सेंट्रोइड वैल्यू है। तो बस इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे भी देख लो 200 का स्क्वायर, यहां पे 10 का स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर प्लस 100 करोगे और उसके बाद तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो वैल्यू 200 पॉइंट समथिंग ही आएगी। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो। तो यहां पे दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 200, यानी जहां पे डिस्टेंस कम होगा वो वैल्यू उसके अंदर जाएगी। तो डिस्टेंस कहां पे कम है, ये वाला कम है, तो यानी C3 कहां पे जाएगी, इसके अंदर जाएगी, आप इसको ये कह सकते हो। लो जी, इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। बट एक बार अगर हमने कैलकुलेट कर लिया, मुझे पता लग गया कि C3 जो है वो इसके अंदर जाएगा क्योंकि इससे नियरेस्ट है, और इसके हिसाब से आई थी वैल्यू 300, तो इसमें नहीं जाएगा, ये आपका इसमें जाएगा। अब C3 इसके अंदर आ गया, ऐसा नहीं कि उसके बाद C4 कैलकुलेट करना है, C5 करना यही है, लेकिन एक छोटा सा है अपडेशन। अब आपको अपडेट करना है, जब एक वैल्यू असाइन हो गई, कोई भी एक वैल्यू आपने इनिशियलाइज करके उसके बाद असाइन कर दी कि भैया C3 इसमें आएगा, अब सेंट्रोइड को अपडेट करना जरूरी है। सेंट्रोइड को अपडेट कैसे करोगे, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला यार। पहले वैल्यू क्या थी आपकी 40, और जहां से C3 ने ऐड हुआ क्या थी वैल्यू, वो 30। इसका मीन कैलकुलेट कर लो, मीन कैलकुलेट करोगे तो क्या आ गया, 35 आ गया, बड़ा सिंपल। यहां पे क्या वैल्यू थी आपकी, 800, और यहां पे वैल्यू क्या थी, 1000। तो डिवाइड बाय 2 करो, मीन वैल्यू कैलकुलेट करो, तो 1800 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 900। तो अब आपका ये वाला काट दो और उसकी जगह पे 35900 ये नई सेंट्रोइड वैल्यू आ गई, क्योंकि क्लस्टर तो दो ही रहने हैं, बट ये अपडेट करना है। अब यानी इसके बाद अगर मुझे C4 के लिए कैलकुलेट करना है, तो C4 कैसे कैलकुलेट करोगे, C4 के लिए देखो 18-20 का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू कौन सी है, 300-500 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं C4 के लिए इधर से कैलकुलेट करता हूं, तो 18-35 का स्क्वायर प्लस यहां पे क्या है, 300 Y2 की वैल्यू, और यहां पे Y1 पहले 1000 थी, अब ये 900 लेना का स्क्वायर। और यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व भी करता हूं, तो देखो यहां पे 200 का स्क्वायर है, यहां पे क्या है, 600 का। ऑब्वियसली यार ये वाली वैल्यू मेरी क्या आएगी, मिनिमम आएगी। तो आप कह सकते हो कि C4 कहां पे लाई करेगा, इसके अंदर लाई करेगा। तो इसके बाद अब इसको अपडेट करना जरूरी है, कैसे भाई, 20 + 18 डिवाइड बाई 2 कर दो, एंड 500 प्लस ये वाली वैल्यू 500 थी और ये 300 थी, 300 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये इसकी नई सेंट्रोइड आ गई। बस ये स्टेप जो है वो बार बार अपडेट करना, और लास्ट में आपको पता लग जाएगा कि कौन सा कस्टमर किस क्लस्टर के अंदर लाई करता है। दिस इज द सिंपल फंडा ऑफ के मीन क्लस्टरिंग मेथड। ये सारे पॉइंट नोट कर लो, सारे स्टेप नोट कर लो, कोई भी न्यूमेरिकल आता है आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।